हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये इयररिंग बनाएंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 8 नंबर के थ्रेड लिए हैं, 0.55 mm का क्रोचेट हुक, जंप रिंग, इयररिंग हुक, स्मॉल साइज का 1 बीड लिया है, सीजर, प्लायर, फैब्रिक ग्लू और स्टार्च। सबसे पहले एक रिंग बना लेंगे। चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। रिंग में डबल क्रोशिया लेंगे। फिर से हम रिंग में डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया ले ली है। इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 12 डबल क्रोशिया बना ली हैं। रिंग को बंद करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, 1 चेन लेकर थ्रेड को कट कर देंगे। अब हम सेकंड कलर लेंगे। ये देखिए, कहीं पर भी आप शुरू कर सकते हैं। 2 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर हम ये सेकंड कलर लगाएंगे। चेन बनाएंगे, 3 चेन लेनी है। ये देखिए, इस तरह से सेम गैप में, ये देखिए डबल क्रोशिया की तरह से लेंगे। ये देखिए, इस थ्रेड को हमें लंबा रखना है, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से हम इसी तरह से लेंगे, फिर से इसी तरह से लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर हम 4 टाइम इसी तरह से बना लेंगे। सभी स्टिच को एक साथ कंप्लीट करेंगे। 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। सभी स्टिच को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बना लेना है। फर्स्ट वाले स्टिच में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे। ये देखिए, जो हमने पैटर्न बनाया है, 2 के बीच में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया को मार्क कर लेंगे। निडिल पर जो थ्रेड है, इसको हम थोड़ा लूज रखेंगे। नेक्स्ट गैप में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें सभी गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। मार्क किए हुए स्टिच में, ये देखिए, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे। चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। टू स्टिच को कंप्लीट करते हुए टॉप तक बना लेंगे। 3 चेन लेंगे, चेन और ट्रिपल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे। सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। थ्री चेन लेंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से थ्री चेन लेंगे,
टू ट्रिपल क्रोशिया के बीच में हम स्लिप स्टिच लेंगे, इस तरह से हमें सेम स्टिच में फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, इस तरह से सभी स्टिच में टू टू ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 24 ट्रिपल क्रोशिया बना ली हैं। यहाँ पर फोर चेन में, शुरू में हमने फोर चेन ली हैं, फोर चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, वन चेन लेकर थ्रेड को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। अब हम लीफ बनाएंगे, लीफ बनाने के लिए एक रिंग बना लेंगे। चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, थ्री टाइम निडल पर थ्रेड लेंगे, रिंग में डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। वन चेन लेंगे, टॉप पे ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे, फिर से हम रिंग में डबल ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, फोर चेन लेंगे, रिंग में स्लिप स्टिच लेंगे, फोर चेन लेंगे। अब हम सेकंड लीफ बनाएंगे, रिंग में डबल ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, वन चेन लेंगे, टॉप पे स्लिप स्टिच लेंगे, रिंग में डबल ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, फोर चेन लेंगे, रिंग में स्लिप स्टिच लेंगे, थ्रेड को कट कर देंगे। इस थ्रेड को हम रिंग में से बैक साइड में कर लेंगे, रिंग को अच्छे से टाइट करके बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरह से लीफ बना लेंगे। अब हम फ्लावर बनाएंगे, फ्लावर बनाने के लिए एक रिंग बना लेंगे, चेन बनाएंगे, वन टू, रिंग में डबल क्रोशिया लेंगे, टू चेन लेंगे, रिंग में स्लिप स्टिच लेंगे, फिर से हम टू चेन लेंगे, रिंग में डबल क्रोशिया लेंगे, टू चेन लेंगे, स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह से थ्री पेटल्स बना लेनी है। ये देखिए थ्री पेटल्स बना ली हैं, थ्रेड को कट कर देंगे। इस थ्रेड को हम रिंग के अंदर से पीछे की साइड कर लेंगे, रिंग को बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्लावर बना लेना है। अब हम स्टार्च लगाएंगे, लीफ की बैक साइड पर हम स्टार्च लगाएंगे। फैब्रिक स्टिफनर है ये, इसमें मैंने जितना फैब्रिक स्टिफनर लिया है उतना ही हम पानी मिला लेंगे। इस तरह से हमें स्टार्च लगा लेना है, किनारों पर अच्छे से स्टार्च लगा लेंगे, सेंटर में भी हम स्टार्च लगाएंगे। फ्लावर की बैक साइड पर ये देखिए इस तरह से स्टार्च लगा लेंगे। शेप देने के लिए सबसे पहले हम सभी पेटल्स को इस तरह से सीधा करेंगे। क्रोचेट हुक की बैक साइड से ये देखिए इस तरह से हमें सभी पेटल्स को शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से शेप दे देंगे। लीफ को हम पहले इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। सेम इसी तरह से बेस के किनारों को भी हम सीधा करेंगे, सेंटर में इस तरह से पैन की सहायता से शेप देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है ये,
इसको हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे, इसको हम कट कर देंगे, जंप रिंग लेंगे, इसको खोलकर किनारे पर हम यहाँ पर जंप रिंग को लगा लेंगे। इसमें हम हुक लगाएंगे, जंप रिंग को अच्छे से टाइट करके बंद कर लेना है। लीफ लेंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे, बैक साइड पर यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे। ये देखिए साइड में बेस पर किनारे पर हम इस तरह से लीफ को लगा लेंगे। एक ईयरिंग में हम राइट में लगाएंगे और एक में लेफ्ट में। फ्लावर की बैक साइड पर ग्लू लगाएंगे। लीफ के सेंटर में फ्लावर को अच्छे से फिक्स कर देंगे। सेंटर में हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। सेंटर में हम ग्लू लगाएंगे। इसके ऊपर बीड लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से बीड लगा लेंगे। इस तरह से हमें ईयरिंग बना लेना है। ये देखिए हमारे ईयरिंग कंप्लीट है।